इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन, भुसावल महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर 1-7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर नन्ही देवरी सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2 एवं 3 दिसंबर 2022 को आयोजित गर्भ कल्याणक के उत्तर एवं पूर्व रूप के पावन दृश्य। श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा पर 1-7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में देवरी नाहर मऊ नन्ही देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के द्वितीय दिवस अर्थात 2 दिसंबर 2022 को ध्वजारोहण, गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप के पावन दृश्य, प्रभु जी के अभिषेक शांति धारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। चतारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम क्योली पन्नत्व धम्म मंगलम चतारी लोगुत्म अरंता लोगुत्म सिद्धा लोगुत्म शाहु लोगुत्म क्योली पन्नत्व धम्म लोगुत्म चतारी शरण पवजामी अरंते शरण पवजामी सिद्धे शरण पवजामी शाहु शरण पवजामी क्योली पन्नत्व धम्म शरण पवजामी। अब वो पावन घड़ी आ चुकी थी जब ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ मंगल शोभा यात्रा मुनि संघ के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुई। इस शोभा यात्रा में ससंग साध्वी जनों के साथ सभी इंद्र इंद्राणी भक्ति भाव से सम्मिलित दिखाई दिए। ये शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची। यहां पहुंचकर ससंग साध्वी जनों ने गुरुदेव की प्रदक्षिणा की। तो वहीं यहां पधारे सभी युवाओं ने गुरुदेव का गुणगान
नृत्य करते आनंद मनाते हुए किया। आगे इसी क्रम में ससंग साध्वी जनों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, एक बार की बात है कि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज विहार कर रहे थे और विहार करते करते अचानक उनके पैर में दर्द हो गया, बहुत दर्द हुआ। कई लोग सुधारने के लिए आए लेकिन ठीक नहीं कर पाए। एक दादाजी अपने चलते चलते पैदल चलते और आचार्य श्री जी जहाँ विराजमान थे वहाँ पर चले गए। गुरुदेव के मंगल वचनों से तन मन निर्मल कर लेने का शुभ अवसर सभी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुआ। तीर्थंकर का एक ऐसा सिद्धांत है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधती तो भावना से है, पर वह बहुत बड़ी प्रभावना का कारण कब बनती है, जब तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में आ जाती है। और फिर जब उदय में आती है तो उस जीव का कल्याण तो होता ही होता है, उसके समवसरण से, उनके विहार से, उनके उपदेश से, उनके आहार से प्राणी मात्र का कल्याण होने लगता है। ये भावना प्रभावना का अंग बन जाती है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मोक्ष के साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों जीवों को भी मोक्ष मिले इस रास्ते के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर शुभ संकल्प के साथ पूजन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम कलश स्थापना की गई। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महाकर्मणी गजरत महामहोत्सव श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण के अंतर्गत महामंगल कलश स्थापना ओम निमज्ञानते मैडम दीपिका में स्थापना करोमि। तदोपरांत उत्साह एवं भक्ति भाव से विधान की मंगल क्रियाएं प्रारंभ हुईं। कभी नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर, कभी नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर, झूम चा ना 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 रे झूम चा ना 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 ओ झूम चा ना 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 रे झूम चा ना 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 ओ काल अनंत भ्रमण करत जग जी भवान भोनिवार का अनंत चुस्त्याय रत परमेश ने भी नमो अर्गम निर्वपामि थी तिगनु विनाशक निजात उत्तम विभाषक सिद्ध परमेश थी भी अर्गम निर्वपामि थी पंच कल्याण के आया रे ओ नचे मन का मयूरा ओ पंच कल्याण के आया रे नचे मन का मयूरा मन का मयूरा नचे मन का मयूरा मन का मयूरा नचे मन का मयूरा मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। मंत्र आराधना के साथ पूजन करते और भक्ति भाव में डूबे आनंद मनाते सभी भक्त यहाँ दिखाई दे रहे थे। ओम नी साधु परमेश्वरी लोकोत्तमाय अर्गम निर्वपामिति। ओम नीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्गम निर्वपामिति। इस कार्यक्रम के दौरान ही ससंग साध्वी जनों एवं साधु जनों के अमृत वचनों को श्रवण करने का लाभ यहां पधारे सभी भक्त जनों को प्राप्त हुआ। गुरुवर को कितनी भी उपमाएं दूं, मेरे गुरुवर अच्छे हैं, मेरे गुरुवर विद्या सागर, हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो इनके बच्चे हैं। आचार्य श्री का चेहरा इतना सुहाना लगता है कि इनके आगे चांद भी पुराना लगता है। इनकी आँखों में ऐसा जादू है, इनकी आँखों में ऐसा जादू है, बच्चा बच्चा इनका दीवाना लगता है, बच्चा बच्चा इनका दीवाना लगता है। धर्म के प्रति तुम समर्पित रहोगे
तो धर्म भी तुम्हारे प्रति समर्पित रहेगा, और अगर तुमने धर्म को छोड़ दिया तो कहते हैं धर्म भी तुम्हारे लिए छोड़ देगा। तुम लोग भगवान के पास जाके कहते हो भगवान हम आपको बहुत चाहते हैं, तो भगवान कह देता है तू जितना चाहता है ना उससे ज़्यादा तो मैं तेरे लिए चाहता हूँ। तो तुम कहोगे भगवान हम आपको नहीं चाहते, तो भगवान कह देता है मैं तेरे को भी नहीं चाहता। अरे जो भगवान को चाहेगा तो भगवान उसको चाहेगा, क्योंकि वो जो भगवान का ही जीव है। इस संसार में जो भी जीव है, चाहे एक इंद्री हो चाहे पंचेंद्री हो, इसमें भगवान बनने की योग्यता है, भगवान बनने की योग्यता है। प्रभु के गर्भ कल्याणक के दिवस में आरती का सौभाग्य प्राप्त करने वाले भक्त ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ गज और रथ पर विराजित होकर पधारे। इसके उपरांत प्रभु जी की भव्य मंगल आरती की गई। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, अरे आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 बाजे घुंघरू। इस आनंद उत्सव की बेला में भक्त नृत्य करते आनंद मनाते हुए यहाँ निरंतर दिखाई दे रहे थे। आरती के उपरांत मंगलाचरण के साथ इंद्र सभा के दृश्य भक्तों के सम्मुख थे। पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री वजिनेन्द्र के पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। मेरे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे देवराज, संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तो प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। इंद्र का आसन कंपायमान होना एवं तीर्थंकर प्रभु के आगमन की सूचना सुन देवी शची हर्षित होती हैं। कौन है, कहाँ है? कटनी में है। हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बैठो नीचे देखो। इतना शक्तिशाली कौन है जो आपका आसन कंपायमान कर रहा है? अवधि ज्ञान लगाया, आसन से उतरे, सात पग चले और साष्टांग नमस्कार किया। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के भार्या मरुदेवी के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु का गर्भ अवतरण होगा। धनपति कुबेर का आगमन चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। स्वर्गों से चले कर धनपति जी आए, स्वर्गों से चले कर धनपति जी आए, संग में धन श्री रत्न लुटाए, संग में धन श्री रत्न लुटाए। तदुपरांत अष्ट कुमारियों द्वारा माता की सेवा और माता के 16 स्वप्नों जैसे दृश्य अद्भुत रहे। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने,
स्वीकार करो माँ, त्रैलोक्य की माताओं भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे बाबरु देवी, हे बाबरु देवी, हे बाबरु देवी, हे बाबरु देवी। सो रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे मन सोल सपन, अजब निराली घड़ी आई, आई। इस प्रकार गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप की झलकियां श्रावक श्राविकाओं का मन मोह लेने वाली रही। इसी क्रम में अब आज हम आपको 3 दिसंबर को आयोजित गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप के दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं बं बं हं सं तं बं 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 मं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां दीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो अर्हते भगवते श्रीमते। भक्ति नृत्य करते, आनंद मनाते हुए अपने प्रभु का स्मरण करते, याद करते हुए इंद्र इंद्राणी पूरी तरह से भक्ति में लीन थे। श्री भस्मोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभावा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री स्वस्ति 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 श्री पद्मप्रभा श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंति स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुकुज। ओम विश्वादि वीरान चौबीस शंकर जिंदा परिपुष्पांजलिम छिपामि। इसके उपरांत स्थान ग्रहण कर भक्तों ने विधान की मंगल क्रियाएं प्रारंभ की। श्रद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधो जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य नमः क्षुधा रोग विनाश नई नई वेदन पामते स्वाहा। ओम प्रेम शेर श्रद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधो जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य नमः। ओम प्रेम शेर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधो जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य नमः। मंत्र आराधना करते हुए पूजन अर्चन के साथ ही भक्ति भाव से इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। ओम रीम भाद्रपद शुक्ल षष्टम्याम गर्भकरण प्राप्ताय इष्पासना जिन्दाय नमः अनर्प प्राप्ताय अर्घ्यमद्रपामति। ओम ब्रीम चैत कृष्णा पंचम्याम गर्भकरण प्राप्ताय श्री चंद्रप्र जिन्दाय नमः अनर्प प्राप्ताय अर्घ्यमद्रपामति। कार्यक्रम के अगले चरण में गुरुदेव पावन सानिध्य में सभी साधु एवं समस्त साध्वी जनों के साथ ही श्रावक श्राविका धर्म ध्वजा लहराते शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर कार्यक्रम स्थल तक पधारे। जहां गुरुदेव की प्रदक्षिणा सभी साध्वी जनों ने की, इसके उपरांत पूजन पंडाल में गुरुदेव ने ससंघ प्रवेश किया। इस क्रम में भगवान के माता पिता की आगवानी बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ भक्ति भाव से की गई। अब वो पावन घड़ी भी थी जब मंगल गान के साथ माता की गोद भराई करके भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किए। तारो माता
की कोई नजर उतारो माता की कहीं माता को नजर ना लग जाए 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 धज धज कर बेटी माँ और मैद मैद मुस्काए सज धज कर बेटी माँ और मैद मैद मुस्काए तो वहीं मंगल कलश हाथों में उठाए सौभाग्यशाली महिलाएं यहां दिखाई दे रही थीं। भव्य रथ एवं गज पर विराजित होकर पात्र पूजन पंडाल में पहुंचे जहां वेदी शुद्धि की गई। शिखर शुद्धि सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा की गई। इसी क्रम में गणमान्य जनों द्वारा परम पूज्य गुरुजनों के चित्र के अनावरण के साथ ही दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। जोरदार तालियां। अब जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से दूर अंधेरे हो जाएंगे हो उजियारा जीवन में। इसी दौरान भव्य निर्माण के समिति का सहयोग देने वाले भक्त जनों गुरुदेव के आशीर्वाद एवं आदेश के उपरांत मंच से अपने भाव व्यक्त किए। समिति द्वारा आप आदरणीय जनों को सम्मानित भी किया गया। समिति इतनी मेहनत कर रही है, बाहर के कार्यकर्ता इतना मेहनत कर रहे हैं, गांववासी और प्रत्येक परिवार कितना संतुष्ट और प्रसन्न, उसका परिणाम है कि आपके ही ग्रामवासी बहुत सुपरिचित परिवार से दोनों भाई एक बहुत अच्छा भवन के लिए कमेटी के लिए सहयोग करने के भाव से आए। आज हम लोग जो हमारे निवास के पीछे धर्मशाला का आयोजन है उसके निकास के लिए जो जगह है वो भेंट करने आए। अब वो पावन घड़ी थी जब भव्य रथ में विराजित होकर आरती का सौभाग्य प्राप्त करने वाले भक्त यहाँ पधारे जहाँ प्रभु की भव्य मंगल आरती की गई। बाजे चम 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 च
chami chami cham chama cham baje go guru are baje go guru aato deepak leke aarti karo prabhu bhakti mein leen hokar bhakt nritya kar aanand bana rahe the teri ho re jay jaykara are baba ho baba teri ho re jay jaykara baba ho baba are baba ho baba mere baba ho baba baba ho baba mere baba ho baba कार्यक्रम के अगले चरण में प्रभु के गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप के दृश्यों का मंचन किया गया। इंद्र दरबार के दृश्य सभी भक्तों के सम्मुख थे। वाणी मां जिन वाणी मां हमको अपना सबको अपना आसरा दो रसमही रस ना पिला दो वाणी मां जिन वाणी मां। इंद्र दरबार के उपरांत महाराजा नाभी राय के दरबार के दृश्यों में माता का आगमन एवं उसके पश्चात महाराजा नाभी राय से 16 स्वप्नों के दृश्य का जिक्र मनमोहक रहा। आज मुझे अचानक आना पड़ा, आज रात के लिए रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे 16 अंगुष स्वप्न देखे हैं। आपने जो 16 सपनों के साथ साथ 17वें नंबर पर वर्णन किया और कहा कि मुख में वृषभ प्रवेश करता हुआ देखा, वो प्रवेश करते हुआ देखा नहीं, वो मुख में से आपके गर्भ में प्रभु प्रवेश कर चुके हैं। स्वप्न फल के माध्यम से प्रभु के जन्म का संदेश सुनकर चारों दिशाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। राज दरबार में उत्सव प्रारंभ हो गया। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललने माता को मिले। आज के 50, 60, 70, 80 साल पहले आपने, आपके पूर्वजों ने कभी इतने बड़े रूप में अपने गांव या बड़े बड़े शहरों में भी आयोजन नहीं देखे होंगे। सुनते हैं कभी हुए होंगे, लेकिन आयोजन इतने बड़े बड़े नहीं हो पाते थे। और आयोजन कोई कर भी ले पैसा खर्च करके तो पब्लिक उपस्थित नहीं हो पाती थी, और पब्लिक इसलिए उपस्थित नहीं हो पाती थी कि पब्लिक को जोड़ने और बांधने वाले कोई मुनि संघ उस समय मिलते नहीं थे। देशवासियों की श्रद्धा अपने आराध्य पुरुषों के प्रति है, महापुरुषों के प्रति है, धर्म के प्रति है, धर्मात्माओं के प्रति है। इस प्रकार हर्षोत्सव के वातावरण में इस भव्य पंच कल्याणक के द्वितीय एवं तृतीय दिवस के कार्यक्रमों का समापन हुआ। देखो 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 जी आनंद आ गया, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा नन्ही देवरी में आयोजित किए गए पंच कल्याणक के प्रथम दिवस की झलकियां आज हमने आपको दिखाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जन्म कल्याणक की अनुपम झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ तारा चंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद, अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन, भुसावल महाराष्ट्र,